लॉकडाउन बराबर बढ़ता जा रहा है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही। मैं ये सुसाइड गरीबी और बेरोजगारी की वजह से कर रहा हूँ। ये नोट लखीमपुर खीरी में रेलवे लाइन के पास एक शव की जेब से मिला। मामला मेगलगंज कस्बे का है, जहां लॉकडाउन में नौकरी जाने से परेशान युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की पटरी पर शव मिलने की पहचान मेगलगंज की नई बस्ती निवासी भानु प्रकाश गुप्ता के रूप में हुई। भानु गुप्ता शाहजहांपुर में एक होटल पर खाना बनाने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद होटल बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गए। परेशान भानु को जब काफी कोशिशों के बाद भी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने थक हार कर मौत को गले लगा लिया। भानु ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं ये सुसाइड गरीबी और बेरोजगारी की वजह से कर रहा हूं। गेहूं चावल सरकारी कोटे से मिलते हैं, पर चीनी पत्ती दूध दाल सब्जी मिर्च मसाले परचून वाला उधार नहीं देता। मुझे खांसी सांस जोड़ों का दर्द दौरा और अत्यधिक कमजोरी चलना दुभर चक्कर आदि हैं। मेरी विधवा माँ भी 2 साल से खांसी बुखार से पीड़ित है, तड़प तड़प कर जी रही हैं। लॉकडाउन बराबर बढ़ता जा रहा है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही। जो काम हो कि खर्चा चलाएं व इलाज कराएं। हमें ना कोई शासन का सहयोग मिला, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि मरने के बाद क्रियाक्रम हो सके। वहीं भानु की मौत की खबर मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीएम शैलेंद्र ने बताया कि मृतक को बीते महीने में राशन मिला है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। देखिए, भानु प्रकाश गुप्ता उर्फ सौदागर मैगलगंज के निवासी थे। ये शाहजहांपुर में गायत्री रेस्टोरेंट में काम करते थे, ऐसा बताया गया है। और इन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें कुछ कारणों का जिक्र किया है। इनके बारे में एक प्रारंभिक जांच की गई है। जांच में इस आया है कि इनके पास इनको राशन कार्ड अंत्योदय का इनके पास राशन कार्ड बना हुआ है, जिसके तहत इस महीने में इनको 20 किलो गेहूं 15 किलो चावल पहले शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में 5 किलो चावल और 1 किलो चना दिया गया था। तो खाद्यान्न की कोई कमी इनके यहाँ नहीं थी, खाद्यान्न इनके पास आवश्यकता के अनुरूप था। अब सुसाइड किन कारणों से किया है इसके बारे में जाँच की जा रही है और जैसे जाँच के रिजल्ट आएंगे तदनुसार आपको अवगत कराया जाएगा। सर, कोई सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, सुसाइड नोट एक बताया गया है, कथित सुसाइड नोट उसके पास से मिला है, जो जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच सही है कि लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन आत्महत्या किसी परेशानी का समाधान नहीं। वहीं इस घटना ने प्रशासन की भी पोल खोल कर रख दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखीमपुर खीरी से शारिक खान की रिपोर्ट।